नमस्कार, मैं राजेश भारिया हूँ अहमदाबाद से। अभी जो आपसे मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन देख रहे हैं वो ललित कला आयोजित गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो मुझे मान्यता मिली है उसमें शो करने के लिए उसमें मुझे सिलेक्ट किया गया था। 3 दिन का ये शो था और ये 26, 27, 28 तारीख को फेब्रुआरी में जो अभी शो चल रहा है इसमें आप पेंटिंग देख रहे हैं। रूस्टर के पूरा रूस्टर पर है, जो रूस्टर पेंटिंग है उसकी एक शुरुआत में कहना चाहूँगा। जैसे कोरोना टाइम पर कोई नया नया काम करने को मतलब एक आइडिया आया कुछ नया करते हैं, वैसे पहले मैं इलस्ट्रेशन वर्क में अभी भी करता हूँ। इलस्ट्रेशन में मेरा सब्जेक्ट था, कोई भी बुक्स वगैरह में कॉमिक्स वगैरह आदि मेरा काम वो रहता है, टेक्स्ट बुक में है। तो मुझे पेंटिंग का थोड़ा फाइन आर्ट में जुड़ा हुआ हूँ, CN फाइन आर्ट से। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पेंटिंग में थोड़ा काम करना है, तो हमारे स्टाफ मित्र से मिला और बात हुई। तो जैसे मनर सर है अभी प्रिंसिपल, तो उसने मुझे बताया कि आप थोड़ा उसमें कर सकता है, फिर मैं वो बात है। तो मैं जुड़ा हुआ था सब कलाकारों से, तो मिलन दलाल है, धन सर है, मटू भाई परीख है, तो बहुत सारे कलाकार को मिलते मिलते मुझे कुछ नया नया कुछ करने को मिलता था, बातें होती थी। तो कोरोना टाइम पर एक मैंने एक ऐसे फन एंड लर्न जैसा बोल सकते हैं, ऐसे ही सीरियसली, उसमें सीरियस नहीं था मैं। तो मैंने एक पेंटिंग किया जो चाइनीज लोगों का मैं पेंटिंग देखता था, तो उसमें फोर्सफुली जो काम था जो मेरा फेल था, तो मुझे वो भाग गया। तो मैंने कहा ये मैं ट्राई करता हूँ। एक रूस्टर का पेंटिंग बनाया मैंने वाटर कलर, तो वो शॉर्ट टाइम में बनाया था, वो मैं FB में डाला। कई लोगों का मुझे फ़ोन आया कि यार बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें करो। फिर मनर सर ने बोला कि यार उसमें ज़्यादा काम करो। फिर वृंदावन सर से मिला, उसने कहा कि ना इसमें ही आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी एक अलग पहचान बना दी, लोगों ने पसंद किया, वो सराहा गया। तो मुझे भी थोड़ा वो मिला मोटिव, वो कहे कि नहीं करें। और दूसरा कि ये रूस्टर का मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जो सनराइज है एक पॉजिटिविटी फैलाता है। जैसे गुड मॉर्निंग जो कुकड़ा है, गुजराती में कुकड़ा बोलते हैं जिसको, जो रूस्टर है वो एक अलग ही पहचान है उसकी, क्योंकि जो उसका आवाज़ से वो सबको जगाता है, पूरी दुनिया को जगाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो कई गाँवों में अभी भी वो एक आवाज़ बुलंद आवाज़ आती है और लोग उठते हैं, वो घड़ी नहीं देखनी पड़ती पहले तो, अभी तो मॉडर्न युग आ गया है तो अलार्म रखते हैं वगैरह। मेरे कई पेंटिंग में ऐसे भी बताया मैंने, जो फानस है, एक बाइसिकल है ना, तो वो मुझे ऐसा लगा कि अभी भी वो जीवंत है। जैसे रूस्टर का उसमें फोर्सफुली काम कर सकते, जैसे उसका फैदर्स, तो उसको पूरा वाटर कलर से भी करता हूँ और ब्लैक एंड वाइट, और उसका कलगी जो रेड रखता हूँ, एक मुझे मेरा फेवरेट कलर है रेड एंड ब्लैक। तो मुझे लगा कि करना चाहिए और मुझे पसंद आया, लोगों ने सराहा, कई कलाकारों ने मुझे फ़ोन करके अभिनंदन दिया कि नहीं इसमें आगे बढ़ो। उसमें एक बार तो ऐसा हुआ कि वृंदावन सर से मिला, मैंने कहा कि सर पोल्ट्री फार्म है उसमें मुझे जाके काम करना है। सर ने मुझे सामने से कहा कि नहीं चलो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, मेरी कोई भी हेल्प करो। मैंने कहा आप साथ में चलो, आप थोड़ा मुझे कुछ बताओ। तो मतलब उस वो एक्सपीरियंस वाले बहुत सालों से काम कर रहे थे, मेरे लिए बिल्कुल नहीं आता। 3 साल से रूस्टर का काम कर रहा हूँ, पेंटिंग का तो बहुत सारे काम किए पर अलग अलग थे। जैसे वो डांसर बनाता था, वो हेरिटेज का था, तो अलग अलग मेरा सब्जेक्ट रहता था। फिर मनर जी ने बोला कि नहीं एक सब्जेक्ट एक रखो, तो हमारे प्रिंसिपल थे और हमारे दोस्त थे, तो उसने मुझे मोटिव किया और मैं इसमें ही काम करता रहा। 3 साल से काम कर रहा हूँ, 1.5 साल का एक सवा साल ही बोल सकते हैं, 1.5 साल बोल सकते हैं, इसका ये पूरा आपका जर्नी दिखाई देता है। बहुत सालों से इसमें जुड़ा नहीं हूँ, पर रूस्टर का जो पेंटिंग है उसमें मैं 3 साल हुए मेरे, तो उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। और जो कोर्स का है वाटर कलर का है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसमें काम कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे, उसने सराहा, मुझे अभिनंदन दिया। तो मैं चाहता हूँ मैं और भी काम करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, देश दुनिया में जाऊँ, ऐसा मेरा ख्याल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।